हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो गोवा सीपीआर लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। विदाउट डेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 17.38 लाख पर नाम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल ट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल ट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि गोवा सीपीआर लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न पीएसयू है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है मैनेजर मैकेनिकल के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन और मैराइन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है मैनेजर टेक्निकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेटरल एंट्री वाले भी इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि बीवीटेक प्लस एमईएमटेक की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 18 सितंबर 2023 से। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 17 अक्टूबर 2023। इसमें आप लोगों का पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 60,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 17.38 लाख पर नाम मिल जाएगी। जो भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो यहीं पर मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आप लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एससीएसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोगों को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करना है। और प्रिंट आउट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फी का जो रिसिप्ट है उसका कॉपी और उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी। और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम। और ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है मेंशन दे, आप लोग उसी एड्रेस पे 27 अक्टूबर 2023 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है वो स्पीड पोस्ट या तो कुरियर या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 17 अक्टूबर 2023। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल ट्यूशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जोड़न के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।